राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय प्रभु प्रभु हरि बोल हरि बोल युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आप में से अगर कुछ लोग कंप्लेंट करें कि विजय अपना जो ऑडियो है वो कट हो रहा है, तो अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज हाथ रेज करिए। आपको लग रहा है कि आवाज कट हो रहा है, मतलब ठीक से नहीं आ रहा है। ये आप लोगों ने हाथ किया है, मतलब आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। ओके अभी तो आवाज आ रही है प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आपकी तो आवाज आ रही है। आ रही है अभी ठीक है प्रभु। ठीक है ना? ओके ओके ओके। क्या हो गया पता नहीं क्या रीजन था, पर नेटवर्क जो है वो थोड़ा पता नहीं था। मेरा नेटवर्क भी ठीक ही था पर लॉगिन ही नहीं हो रहा था, तो बहुत और भी ड्यूटीज को प्रॉब्लम आया। मैंने मैसेज किया था पर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कीर्तन कर दिया, हम अपने काम कर और काल हमारे अंडर है नहीं, तो काल के प्रभाव से जो हो उसको स्वीकार करना होगा। एक बार हमारे एक शिक्षा गुरु थे, वो एंगर मैनेजमेंट पे क्लास दे रहे थे और उन्होंने स्लाइड वगैरह बनाए थे, तो जो नीचे लड़का बैठा था जो उसको डील करेगा, वो कुछ हो गया और वो स्क्रीन चल नहीं रहा था, तो कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो वो जो वो टीचर थे एकदम गुस्सा हो गए, तुम वो समझता नहीं ये, वो पूरा गुस्सा हो गया और वो क्लास था एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। तो वैसा हालत हो गया कि हम लोग काल के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं और काल का जो परीक्षा है वो हमें अभी देना पड़ रहा है। आइए हम सब प्रवेश करते हैं और आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कोई अगर आपका कोई परिचित है जिसको आज लॉगिन नहीं हो पाया और मिस हो गया हो, तो ये लेक्चर यूट्यूब पे 24 घंटे बाद अपलोड हो जाता है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया।
उत्तम श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञातिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीहद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट चलो। अरे कृष्णा, वो छोटे कोई बच्चे हैं, उनको पता नहीं रहता। सॉरी, माफ करिएगा। तो ये सब ऑन रिकॉर्ड है, एडिट करके डाला जाएगा यूट्यूब पे, सच से पूरा ध्यान देना। आज काल हमारी ज्यादा परीक्षा ले रहा है। तो हम सब ने कल देखा कि युधिष्ठिर महाराज को जब भीष्मदेव समझा रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ, क्योंकि आप अधर्म आपने कोई किया नहीं, आपका कोई भी प्रीवियस जन्म का कुछ ज्यादा कोई स्टॉक पाप था नहीं, तो इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा संकट, छोटा मोटा संकट तो हर एक के जीवन में होता है, पर इतना बड़ा संकट अगर आया है तो ये जरूर भगवान की कृपा है। क्योंकि काल जो है वो भगवान के डायरेक्ट अंदर में काम करता है। काल स्वयं भगवान की इक्विवेलेंट आने वाला है, कि काल इज नॉट डिफरेंट देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो काल जो है ये हमें सबक सिखाता है, काल केवल सत्य को बाहर लाता है, ये भी हमने कल देखा था। तो युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव समझा रहे हैं, काल की शक्ति को समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगला जो अगले 3 श्लोक और हैं, ये भी काल के तहत भीष्मदेव युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। तो आइए हम उसमें प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 15, स्कंद पहला, अध्याय 9, श्लोक 15। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणि वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवं चापम सुहृत् कृष्णस्ततो विपद। ओ हाउ वंडरफुल इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनएविटेबल टाइम, इट इज इरिवर्सिबल अदरवाइज। हाउ कैन देयर बी रिवर्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ किंग युधिष्ठिर, द सन ऑफ द डेमी गॉड कंट्रोलिंग रिलीजन, भीमा द ग्रेट फाइटर विथ अ क्लब, अ ग्रेट बोमैन अर्जुना विथ इज माइटी वेपन गांडीवा, एंड अबव ऑल द लॉर्ड द डायरेक्ट वेल विशर ऑफ द पांडवर्स। तो यहाँ सवाल आता है, मतलब भीष्म यही कह रहे हैं कि भाई आप सब समझो, तुम 5 बड़े बड़े योद्धा हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो। युधिष्ठिर जो भाला चलाते थे, ही वॉज वेरी फेमस, और भीम 10,000 हाथियों के बल से गदा चलाते, प्रहार से चले जाते थे लोग दूर दूर तक, और अगर कोई पेड़ उखाड़ लेते थे हाथ से, ये भीम थे। अर्जुन को सारे मंत्र इत्यादि मालूम थे, और सब बाण अलग अलग प्रकार के उनको शस्त्र का और सब विद्या था, धनुर्विद्या था। तो कह रहे हैं कि आप जैसे इतने महान पर्सनालिटीज होते हुए, और भगवान आपके साथ डायरेक्ट साथ में होते हुए भी, ये इरिवर्सिबल टाइम है, टाइम रिवर्स नहीं करता है, कुछ उल्टा नहीं करता है। तो अगर आपके लाइफ में इतना होते हुए भी, कोई पाप नहीं होते हुए भी, इतनी शक्ति और बल का सामर्थ्य होते हुए भी अगर आपको इतना हो रहा है, तो समझ लो ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। बड़ा कुछ करवाने वाले हैं आपसे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भगवान किसी को चुन लेते हैं, तो फिर वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका माध्यम बना के धर्म का स्थापना कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि द टाइम इज इरिवर्सिबल, यानी जनरली लोग टाइम मशीन बनाना चाहते हैं ना, कि जहां हम पीछे चले जाएं और वही चीजों को वापस हम करें, तो ऐसा होता नहीं है, ये केवल एक संकल्पना है। तो एटलीस्ट शास्त्रों में वेरी क्लियर है, टाइम जो है वो इरिवर्सिबल है। ठीक है,
वो हिस्ट्री रिपीट हो सकता है, पर टाइम इरिवर्सिबल है। उसका इफेक्ट हम जरूर क्रिएट कर सकते हैं, ओरिजिनल क्रिएट नहीं कर सकते। बात समझे? जैसे अभी मैं बच्चे में, जैसे जैसे नाना नानी के साथ हम लोग रहते थे, तो एक मिठाई मीठ वो वाला फीलिंग आता था, अच्छा वाला। अब उसका मेमोरी में याद करके जी सकते हैं, पर जाके जी नहीं सकते। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल है। तो आपको इतने अगर रिवर्सेस आए हैं तो जरूर इसमें भगवान का हाथ है। और ऊपर से क्योंकि आप धर्मराज हो, एक तरह से धर्मराज के पुत्र हो, तो आप भी धर्मराज धर्म के परायण और पालन करता हो, तो आपके हाथ से तो कोई गलती नहीं। तो काल जो है ये भगवान के निर्देशन में काम कर रहा है, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे प्रपद परपोट में कह रहे हैं, डिस्पाइट द पावर ऑफ पायस एक्ट्स, बहुत सारे पुण्यों के बावजूद, द पावर ऑफ पर्सनैलिटीज, द पावर ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट एंड द पावर ऑफ वेपन्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यानी इतना सारा है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे लीडर्स हैं, भगवान का डायरेक्ट सामने प्रस्तुत होते हुए भी, उनके निर्देशन में होते हुए भी, द पांडव सफर्ड सो मेनी प्रैक्टिकल रिवर्सेस। लेकिन पांडवों के जीवन में बहुत सारा उथल पुथल हुआ, विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड एज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ काल द इनएविटेबल टाइम। इसका अगर हमको विश्लेषण करना होगा तो इसका एकमात्र जवाब है, वो है काल। इसलिए आप लोग देखिएगा, बचपन में हम लोग को हमारे रिश्तेदार कहा करते थे कि हम लोग शाम में कुछ बोलते थे ऐसा, ए तुम्हें जा, तेरा आंख फूट जाए तो तेरे को लग जाए, ऐसे कभी कभी लोग बोल देते हैं। तो वहां घर वाले बोलते थे, हे नहीं बोलो, नहीं बोलो। तो बोलते, अरे मजाक तो कर रहे हैं, कर थोड़ी रहे कुछ। बोलते नहीं, जो नियति है वो तथास्तु तथास्तु बोलते रहती है। तो आप जब बोलते हो और वो तथास्तु बोल देती है तो हो जाता है आगे, तो नहीं बोलना है। तो एनीवेज, तभी बचपन में कुछ ये समझा नहीं, तो हम लोगों ने माता पिता के आदेश समझ के सब नहीं किए। लेकिन ये जो काल है ना, वो आपकी इच्छा को भांपते रहता है। और आपने अगर कोई चीज कैजुअली भी बोला तो आपको कैजुअल रिएक्शन भी देगा। काल एकदम परफेक्ट चक्की का आटा कैसे पीसते वैसा, अंदर से वैसा पीसता है, बराबर फाइन। तो यहाँ पे कहा गया कि जब आपको सामाजिक गणितों से चीजों को समझ में ना आए, राजनीतिक तौर पे चीजों को समझ में ना आए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझ में ना आए, धर्म शास्त्रों के माध्यम से भी जो हुआ है वो समझ में ना आए, तब समझ लेना चाहिए ये काल का परिणाम है। क्या कमी था? सभी शक्तियां तो यहाँ बताई गई हैं। युधिष्ठिर का मैनेजमेंट था, धर्मपरायणता था, भीम का शक्ति था, अर्जुन का जो सामर्थ्य था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपके विपरीत हुआ, तो वो काल है। हम सब कितना भी चाहें तो काल को बीट नहीं कर सकते। और काल अपना काम केवल आपके लिए नहीं करती, वो तो अपना चक्र में चल के सबका पिसाई करती है, वो आपका ही नहीं सबका करती है। कई बार हमको लगता है कि मेरे जीवन में दुख है, आप दूसरे का खोद के देखेंगे तो उसका आपसे ज्यादा दुखी सिचुएशन है। तो हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो काल को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया, अब जो मेरा अभी का पॉइंट था, काल इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ। काल जो है वो भगवान के समान है। अब क्योंकि वो काल एक शक्ति भी है, तो भगवान काल रूप में आते हैं। कालोस्मि भरत वृषभ, आपने गीता में हमारे 11वें अध्याय में देखा है विराट रूप, हम लोगों ने ड्रामा भी किया था, सबको याद होगा। तो मैंने जब गैट कोर्स में पढ़ा था तो यूट्यूब में है मेरे 11 चैप्टर में ड्रामा किया था, हमारे सचिसुत प्रभु यही है, अर्जुन बने थे सचिसुत प्रभु। वीडियो में आइए, दिखाइए आपका चेहरा, अर्जुन का चेहरा। करुणावतार प्रभु कृष्ण बने थे, वो भी शायद किसी क्लास में कहीं और है। तो ये हमने बहुत अच्छा ड्रामा किया था, उसमें काल रूप दिखाए थे, तो अलग अलग लोगों को हमने काल रूप में वो किया था। तो भगवान ने पूरे मुख से आग निकल रहा है और सभी प्राणी अंदर जा रहे हैं, काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये चीज हमने दिखाया था। तो ये कहा गया है, काल इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ, काल भगवान के समान है। एंड देयरफॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ काल इन इंडिकेट्स द इनएक्सप्लिकेबल विश ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। इसलिए अगर काल का प्रभाव आपके जीवन में हो रहा है तो आप समझिए वो भगवान ही आपके साथ कार्य कर रहे हैं, भगवान ही आपके साथ काम कर रहे हैं। आपको अब चिंता करने की जरूरत
नहीं है। तो देर इज नथिंग टू बी लैमेंटेड व्हेन अ मैटर इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। जब आपके सामर्थ्य शक्ति से, आपके विचारों से और बुद्धि के लॉजिक के बाहर कोई काम हो गया हो, तो वहां चिंता नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, मार्क्स मिल जाएंगे, बस पेपर अटेम्प्ट कर दो, वहां खड़े रहो, क्योंकि वहां आपका अकेले का कुछ नहीं हुआ है, वहां भगवान ने बड़ा रणनीति बनाया हुआ है जिसमें आप केवल एक मोहरा हो। आपको याद है सुनामी हुआ था शायद 2003 या कब, 4 से कहीं तो हुआ था, 2 3 4 से कहीं किसी साल में हुआ था, तो करीबन 1,52,000 लोग मरे थे, 1,52,000। जो लोग समुद्र किनारे जॉगिंग कर रहे थे, उनके ऊपर 100 फीट का पानी का लहरा कैमरे को अंदर खींच के लेके चला गया। आज जो अंदर स्कूबा डाइविंग कर रहा था, उसको पानी ने बाहर फेंक दिया। नियति का खेल है, जिसका मृत्यु तय है वो जॉगिंग भी कर रहा है, जमीन पे भी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन काल आएगा लेके जाएगा, वो किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो काल है और समुद्र की लहरें हैं, ये किसी के लिए नहीं रुकती, ये अपने बहाव से आती हैं और जाती हैं, ये किसी को पूछती तक नहीं, इनको आपकी भी कुछ पड़ी नहीं। काल जो है वो परिवर्तन लाता है, तो काल भगवान स्वयं है, तो जब वो अधर्म से धर्म का परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजों को लाते हैं जो हमारे बुद्धि से बाहर है। अभी हम सब ने कोरोना का महामारी का जो काल था, ये हमने पार किया। बड़े बड़े सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े रिच पीपल हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए, मतलब ऐसे ही दो दो रुपए की तरह खर्चा कर देते हैं, इतना पैसे वाले लोग हैं, बहुत ही ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य, जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर्स भी थे, लेकिन क्या हुआ, कंधे पे जाना पड़ा, कंधा भी नहीं मिला, कंधा भी नहीं मिला, रिश्तेदारों को शरीर भी नहीं मिला, रिश्तेदारों को शरीर भी नहीं मिला, किसी को कुछ भी नहीं मिला, और ये दिमाग के बाहर था, क्योंकि ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था। मतलब चलो युद्ध हो जाता, वर्ल्ड वॉर वगैरह हो जाता, तो दिखता कि युद्ध हो रहा है और ये पहले भी हुआ था, तो हमको बच के रहना है, जमीन खोद के अंडरग्राउंड में जाओ, लेकिन ये जाओगे कहाँ। 2018 में ही बिल गेट्स ने बोल दिया था कि ऐसा युद्ध होगा जो दिखेगा नहीं, ये लोग तब से तैयारी में लगे हुए हैं। तो युद्ध का जो अस्त्र है वो बदल गया, एक लेबोरेटरी से निकला वायरस और हम सबको लगा दिया, घर में लॉक करके रख दिया, तो आप कहेंगे अरे कैसे कैसे हो गया, लेकिन आपको भगवान का हाथ देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसके बाद परिवर्तन हुआ। एक्चुअली तब तक लोग नास्तिक बनते जा रहे थे, और कोरोना होने के बाद आहा, धर्म ही धर्म फैल रहा है। लोग ये चुपचाप ऑनलाइन गुरुजी लोगों का सुनने लगे कि भाई कुछ ज्ञान का बात बताइए, दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ रहे हैं। तो बहुत लोगों ने धर्म को स्वीकार किया, तो भगवान जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, जो गया वो केवल शरीर नष्ट हुआ, वो आत्मा को नया शरीर मिल जाएगा, तो उसमें दुख करने वाली कोई बात है ही नहीं। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, कि जो विद्वान है वो आने और जाने वाले जीव के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, और शरीर तो आता जाता रहता है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तो यहाँ कहा गया है देर इज नथिंग टू बी लैमेंटेड व्हेन अ मैटर इज बियॉन्ड कंट्रोल। इसलिए आपके जीवन में भी कहीं भी कोई ऐसा मैटर हुआ हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। एक बार अर्जुन, आपको ये कथा मालूम ही होगा, कृष्ण बुक में भी है, और तो अर्जुन जो है वो द्वारका की रानियों को लाने के लिए गया था, जब भगवान धरातल को छोड़ दिए थे, मतलब धरा भूमि को छोड़ के गोलोक चले गए थे, तो अर्जुन पूरा ऐसा एनर्जीलेस हो गया। तो जब तक वो व्यक्ति होता है ना जो एनर्जी देता है, तो हमें बड़ा ताकत रहता है, हम समझते हैं मैं कर रहा हूँ, और जो ही वो व्यक्ति अपने सर से हाथ छोड़ देता है, तो फिर आपका जो भी शक्ति है वो खत्म हो जाता है। हम सबकी शक्ति भगवान की कृपा से है, जिस दिन वो हाथ हटा देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन गए थे द्वारका से रानियों को लाने के लिए, और क्या हुआ, लाते वक्त एक छोटा गाय का चरवाहा होता है ना,
वो अर्जुन से युद्ध करके अर्जुन को परास्त कर दिया। बात सोचो, तो काल जब बुरा होता है तो वही योद्धा जिसको 64 करोड़ योद्धा डरते थे, वो एक छोटे से बंदे से हार गया। उस समय आपको काल का शक्ति समझना होगा। अर्जुन के साथ एक बार और हुआ था, अर्जुन मयूर ध्वज करके जो राजा था, इनका कहानी मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में बताया था। तो मयूर ध्वज जो राजा है, ये मयूर ध्वज राजा बड़ी भगवान के भक्त थे, उनका बेटा था ताम्र ध्वज। तो ताम्रध्वज सोचता था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि भगवान हमारे राज्य में आए और दर्शन दे मेरे पिता को। तो अर्जुन जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो घोड़ा लेके वहां से जा रहे थे, तो नियम ये रहता है कि राजा जब घोड़ा लेके जाता है, उसे अगर रोक दिया इसका मतलब आप उसका शासन नहीं मान रहे हैं। तो ताम्रध्वज शासन तो मानना चाहता था, लेकिन चाहता था कि अगर अर्जुन को मैं परास्त कर दूं तो इसको बचाने के लिए तो भगवान आएंगे। उसी बहाने भगवान का हमारे जो राज्य है इसमें उनका चरण धूलि लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन के साथ युद्ध कर लिया और अर्जुन को परास्त कर दिया। अब जब अर्जुन को परास्त कर दिया तो अर्जुन ने कहा कि एकदम दुखी हो गया और वो चले गए कृष्ण के पास। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हमेशा आपकी सेवा किया हूं, ये आपने कभी मुझे गिरने नहीं दिया, कैसे हो गया। तो भगवान ने जो लीला किया जिसमें वो ब्राह्मण का रूप लेके अर्जुन को दिखा रहे थे कितना महान है मयूर ध्वज और ताम्र ध्वज, तो वहां पे भी अर्जुन को परास्त होना पड़ा क्योंकि भगवान उनको कुछ और दिखाना चाहते थे। भगवान उनको दिखाना चाहते थे, आप ये मत सोचो कि आप ही सर्वेसर्व हो। जब भीम जंगल जा रहे थे, हम पहाड़ियों से जा रहे थे, हाँ वो 1000 पंखुरी वाला एक कमल होता है, उसको लाने के लिए द्रौपदी के बोलने पे, तो जब जा रहे थे उनको अपने बल पे बहुत गुरूर था, और रास्ते में कौन मिले, हनुमान जी आराम से लेटे हुए, पूंछ सीधा रखा हुआ है। और जनरली वैदिक कल्चर है किसी भी व्यक्ति के किसी अवयव को लांघ के नहीं जाते, वो अपराध माना जाता है, क्योंकि ये मंदिर है, इनके अंदर परमात्मा रहते हैं, तो हम प्रणाम करके साइड से जाते हैं, अनलेस अंटिल वो नेसेसरी है, कुछ और बड़ा काम है तब। तो हनुमान जी ने, भीम जी ने कहा कि उनको पता नहीं था हनुमान जी है, वानर के रूप में थे, बोले वानर पूछ हटाओ मैं जाना है। हनुमान जी बोले, अरे आप इतने बलशाली दिख रहे हो, खुद ही हिला लो। तो जब भीम जी ने उठाने का कोशिश किया तो नहीं उठा, नहीं उठा, लास्ट में हनुमान जी ने दर्शन दिया। तो कई बार हमारी शक्तियां हैं, लेकिन भगवान हमें बड़ा सबक सिखाने के लिए या हमें बड़े चीजों का ज्ञान अवगत कराने के लिए कई बार काल के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है, ये अगला 16वां श्लोक है। नहि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम् यद्विजिज्ञासाय सया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि हि। ओ किंग, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा, इवन दो ग्रेट फिलोसफर्स इंक्वायर एग्जॉस्टिवली दे आर बिविल्डर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, इसलिए मैं इसका कोई परपोर्ट स्किप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक भी लाइन स्किप कर दिया तो समझिए कि हमारा जो मेन एक एक जेम टाइप है, हीरा हीरा मिला, ऐसा लगता है ना कोयले का खदान खोद के हीरा मिला है, तभी हम लोग को हीरा हाथ में लगा। ये कोई नहीं समझा सकता, ये जो चीज है ना, ये भीष्म ही युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, और हमें भी हमारे डिप्रेशन टाइम में हम काउंसलर को जा जाके, साइकेट्रिस्ट को जा जाके लोग पैसा देते हैं। यूएस में तो कल्चर है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और पैसा दीजिए और अपना अपना ज्ञान वहां बकिए क्या क्या हुआ है, और वो साइकेट्रिस्ट आपको सिर्फ नींद आने की दवाई देता है, सो जाओ बेटा बहुत सोच रहे हो। तो यहाँ पे ये भीष्म जो बोल रहे हैं ये बेस्ट मेडिसिन है। ये क्या कह रहे हैं, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड, भगवान की रणनीति को कोई नहीं जानता सिवाय भगवान के। इवन दो ग्रेट फिलोसफर्स इंक्वायर एग्जॉस्टिवली, बहुत विद्वान लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और विचार विनिमय करते हैं कि हो सकता है प्रभु ने ऐसा किया हो, दूसरे बोलते नहीं इन्होंने ये किया है इस किससे, वो भी सीख जाएंगे, ऐसे ऐसे अलग 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 चीजें हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सुदामा को भगवान ने महल दिया, चलिए ठीक है, तो महल दिया तो जबकि सुदामा तो खुश थे ना, अच्छे भक्त थे ही, इतना प्यार से वो चूड़ा लाया था,
इतना प्यार से उनका दर्शन हुआ, एक दूसरे से मिलान हुआ, तो अब उनको महल दे दिया, तो फिर तो लोग ये सोचेंगे भगवान की भक्ति करो और अपना चीज पाओ। और सुदामा ने मांगा भी नहीं, और चलो हम ये जानते भी हैं, मैंने इससे पहले पूछा था कि वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि भगवान जानते थे कि भक्ति के सामने सब कीमत नहीं बोला जाता है। मेरा क्वेश्चन आप सबको ये है कि सुदामा को महल दिया क्यों, क्या जरूरत था? अंदर से तो भक्त खुश था ही, और चावल दाल का और जुगाड़ तो भगवान सब जगह से करते ही है, तो बस थोड़ा और चावल दाल का जुगाड़ करा देते। मतलब चलो हो सकता है उनकी पत्नी को थोड़ा चिंता था, तो एक नॉर्मल घर जो ब्राह्मण को होना चाहिए वो दे देते या कैसे दिलवा देते। अब ये बताइए कि उस पर्सनालिटी को इतना बड़ा महल इतना देने का जरूरत क्या था? अब बताइए, हाथ ऊपर करिए क्योंकि और सक्सेसफुल उनकी प्रूफ पत्नी को परपोर्ट को चिंता मिनिमाइज था। करिए। नहीं, हाथ ऊपर करिए, ऐसे इनडिसिप्लिन नहीं रखिए बच्चा। सक्सेसफुल प्रूफ स्क्रीन हटाइए। हाँ, हाथ में हाथ ऊपर करिए तो मुझे समझ में आएगा। अभी कौन छोटा बच्चा बोला वो जवाब दीजिए। बोलू, बोलिए। क्योंकि उनकी पत्नी को चाहिए था प्रभु जी। नहीं, पत्नी कुछ भी मांग लेगी थोड़ी भगवान दे देंगे। यस भक्ति गिरिराज जी, गिरिराज जी, शायद इधर नाम आधा ही दिख रहा है इसलिए जी आई आर लिखा हुआ है। हाँ पूजा माता जी, यस मतलब दंडवत। सबको मतलब दिखा सकते हैं ना भगवान, इस तरीके से कि जो भी मतलब लिखा हुआ है वो चेंज भी कर सकते हैं भगवान। तो आपका कहना है भगवान ये दिखाना चाहते थे कि जो भी है उससे भी ज्यादा मैं दे सकता हूँ, ये कहना है? नहीं, सुदामा जी मतलब हाँ दरिद्र थे ना, तो फिर वो उनकी हाँ दरिद्रता जो है वो दूर कर सकते हैं भगवान, ऐसा जो लिखा हुआ है पहले से उसे मतलब चेंज कर सकते हैं जब भक्त एकदम खरे तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मैं किसी का कर्म चेंज कर सकता हूँ, यही ना? लिखा हुआ है वो चेंज भी कर सकते हैं जब सरेंडर आ जाए तो। या फिर ये भी कह ठीक है, तो सकते हैं कि आपको कहना भगवान है। के प्रति थोड़ा सा भी किया हो ना, भगवान के प्रति थोड़ा सा भी किया हो ना तो उसे कई गुना देता है ऐसा। चलो ये भी ठीक है, कई गुना मिलता है, आप थोड़ा कीजिए, फिर तो हर कोई इसी आशा में ही करेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। यस, और अरविंद जी, जिनका आंसर हो गया हाथ हटा लो, तो बाकी हरे हाथ वाले कृष्ण बाहर प्रभु आते जी, हैं। हरे कृष्ण हाँ प्रभु यस जी, चंद्र प्रणाम। प्रभु यस जी, जब भगवान ने ये देख लिया कि ये गरीबी में भी भजन भक्ति में लगे हुए हैं और ये धन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, तो सारा धन दे दिया कि इनका ठीक है, ये भी आपका अच्छा विचारधारा है। नहीं, भक्ति भाव में अधिक है ये। आपको एक दो लाइन में आंसर देना है। मैं समझ गया कि वो कैपेसिटी है तो दे दिए, चलिए ऐसा आपका सोच। यस, ये कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, यस यस भगवान भक्त वत्सल हैं, जब वो अपने किसी भक्त को देखते हैं तो वो अपने आप को भी उसको अर्पित कर दे, मतलब बिक जाते नहीं नहीं हैं। नहीं 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 हाँ, तो ये बताना है कि बंगला क्यों दिया, इतना बड़ा बंगला देने क्या जरूरत है? बिक गए तो खुद चले जाता उनके साथ, वो तो बंगला चाहते हैं कितना बड़ा ना, क्यों दिया वो ना? आई थिंक अपने फेंको नहीं, फेंको नहीं, फेंको नहीं, इधर सा उधर नहीं। पॉइंट मालूम है तो नहीं तो पॉज कर दीजिए। यस, जे पर से जो है वो जे जे ए क्या नाम है? जय श्री माता। जय श्री हरि माता जी। वंदना प्रणाम प्रभु जी। प्रभु यस यस जी, बोलिए। भगवान जानते थे कि इनको कुछ भी दिया तो भी इनके भक्ति में कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, तो आपका कहना है कि उनको दे दिया तो इसको फर्क नहीं, तो बड़ा दे दो, तो छोटा ही दे देते, तो बड़ा क्यों दे दिया? फर्क तो उनको झोपड़ी में भी नहीं था और महल भी नहीं था, बीच वाला कुछ दे देते, तो बड़ा क्यों दिया? यस, हमारे सर्वभूत माता जी हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस भगवान ने बोलिए। देखा कि सुदामा जी जो हैं उनको वो पूरी तरीके से सरेंडर्ड हैं भगवान के लिए,
और मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता उनको कम मिले या ज्यादा मिले, वो इतने सरेंडर थे, तो उनका वो भाव देख के नहीं नहीं भगवान नहीं भी। नहीं 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 आप हमारा क्वेश्चन ही नहीं समझे। ये तो आंसर सब लोग दे रहे हैं। हम कह रहे बड़ा बंगला क्यों दिया, भाव वाव ये सब समझता हूँ मैं, वो भक्त है हाँ, दे देना है, तो बड़ा क्यों दिया, क्योंकि छोटा दे देते उन लोग जब गुरुकुल में थे तो उनकी कुछ। वजह से श्राप मिला था सुदामा जी को, और ही वॉज द रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी ऑफ सुदामा। तो आपका कहना है कि ब्राह्मण जो है वो एकदम करोड़पति की तरह घूमना चाहिए। नहीं, पर सुदामा हाँ जी को तो उनके वजह से श्राप मिला था ना, कि उनने चना खा लिया नहीं था नहीं तो नहीं 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 इसलिए, नहीं 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 आप तो माता जी बहुत लोग ज्यादा इतिहास में दिन घुस जाते कष्ट हैं। कर लिए थे इसलिए ज्यादा दिन कष्ट बहुत कर लिए तो अभी ज्यादा। एंजॉय करो। हाँ एग्जैक्टली। तो ये तो ऐसा नहीं है, बस अभी पांडवों को भी तो तकलीफ दिया, लास्ट में दे दिया ठीक है, पर मेरा कहना है वो तो राजा महाराजा थे ना, वो तो क्षत्रिय थे, उनके लिए तो बंगला वंगला बनता है। अभी ये तो साधु है, तो ब्राह्मण है, तो इनको तो थोड़े में ही समाधान हो जाता, बड़ा क्यों दिया। क्योंकि सुदामा जी ने खुद ने मांगा नहीं उनसे, उनने कुछ मांगा नहीं उनसे, वो नहीं 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 अपेक्षा नहीं उसने नहीं क्या मांगा, नहीं मांगा, दिया क्यों बड़ा। खाली पैर सुजीत जी पैदल चल के गए थे इसलिए। वाह, तो ऐसे तो मैं भी चला जाऊंगा, द्वारका जाना है तो प्रभु जी मुझे लगता बोलिए। है क्योंकि जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, जो नारायण की भक्ति करते हैं, लक्ष्मी उनके अधीन ही रहती है, इसलिए वो जाना ही था शायद शायद हमें। अनिल जी, अनिल एन एन पर से किसी का नाम है, एन एन प्रभु ग्रीन कलर का आइकॉन। हंसिका गोयल माता जी, हरे हाँ अभी नहीं, अभी माता जी हो गया, यहाँ मेरे को मेन पॉइंट कृष्णा। चाहिए। प्रभु जी भगवान भी भगवान बड़े जी ये मायने में रहते दिखाना थे, तो चाहते थे कि मैं इसके अपने ऐश्वर्य भी देता एन हूँ। एन एन पे जो माता जी हैं वो बोलेंगे, बाकी अभी रुकिएगा, एन पर से माता जी बोलिए। प्रभु जी वो भगवान जी ये दिखाना चाहते थे कि मैं ऐश्वर्य भी दे सकता हूँ, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको ऐश्वर्य भी देता हूँ। जैसे प्रभु जी ध्रुव महाराज को दिया था, ध्रुव लोक दिया था, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको ध्रुव लोक दिया था कि जो मेरी भक्ति करता है फिर मेरा वचन चलिए यही वो हो आंसर सब जाएगा। जगह है, तो ये बाकी लोग भी यही आंसर दे रहे हैं। सुनिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी लिखा पर मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ लोगों ने जो नहीं बोल पाए कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मजा हरे अलग है। कृष्णा प्रभु जी नाम, देखिए आपका आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलना होगा। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी मेरा अलग है, दीपक शर्मा। हाँ तो थोड़ा जोर से बोलो। मैं मतलब उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि आप डिवोटीज उनके घर में आएंगे तो ताकि वो अच्छे से भगवान के भक्तों की सेवा कर सके। अरे अरे वो सुदामा दिल्ली में नहीं रहते थे, पोरबंदर में हरे रहते थे, समझा। कृष्णा प्रभु ये जी, दिल्ली वाली सोच है कि बड़ा बंगला मिलेगा तो हाउस प्रोग्राम होस्ट करेंगे। पहले प्रोग्राम्स नहीं होते थे, पहले ब्राह्मण घर घर जाके सबको एनलाइटन करके निकल जाते थे। अभी क्या है, शहर में सब पापी लोग रहते, तो कहीं कहीं सेंटर बनाना पड़ता है, आइए यहाँ आइए ऐसा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये सबका एंड हरे नहीं कृष्ण। है। आप सबको, आप सब में से बहुत लोगों को जवाब भी देना है, पर अभी उसको मन में भगवान को दे दीजिए, क्योंकि अपना जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि देखिए एक चीज भगवान का एक कार्य समझने के लिए कितने सारे लोगों ने कितना दिमाग लगाया, लगाया कि नहीं लगाया आप लोगों ने, पर आप में से हर कोई जो यहाँ बैठा हुआ है हर कोई जवाब देना चाहता है। तो एक आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली एक आचार्य का अपना कमेंट्री है, वो कहते हैं कि सुदामा जो थे ना वो गरीबी में रहने को आसक्त न हो जाए इसलिए उनकी परीक्षा के लिए बंगला दिया था। बात समझिए, तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है, भगवान इसका आपको जवाब अंत प्रभु तक नहीं जी मैसेज छोड़ते। हाँ में किसने दिया था। जी, हाँ मैं पढ़ा था लेकिन वो फिर एज इट इज पूरा पढ़ नहीं पाया तो मैंने छोड़ दिया। तो आपको ये एक एंगल है, तो क्या हम ये स्टेटमेंट की पुष्टि कर रहे हैं कि नो वन कैन नो द प्लान ऑफ द लॉर्ड, तो बस स्माइल करके ना कुछ कर देते हैं वो हमारे दिमाग के टोटली बाहर जाता है टोटली। तो यहां इसलिए भीष्म कह रहे हैं इवन दो ग्रेट फिलोसफर्स इंक्वायर इनएग्जॉस्टिवली, आप और मैं दिन रात भी चर्चा करेंगे तो भी इसका निर्णय हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, इसका निर्णय हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि, और हर एंगल से जब तक भगवान और भक्ति का एंगल रखेंगे तब तक वो सही लगेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब परपोर्ट में कहा गया है द बिविल्डरमेंट ऑफ महाराज युधिष्ठिर
ओवर हिज पास्ट सिंफुल एक्ट्स, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे थे कि मेरे पूर्व जन्म से ये हो रहा है, एंड द रिजल्टेंट सफरिंग्स इज कंप्लीटली नेगेटेड बाय द ग्रेट अथॉरिटी ऑफ भीष्मा। भीष्म की अथॉरिटी से ये क्लियर हो गया कि युधिष्ठिर अपने पूर्व जन्मों का कोई भी पाप नहीं भोग रहे थे। क्योंकि क्या होता है, जनरली अगर आपके जीवन में कुछ भी अनहोनी हो जाए तो जो द्वेषी लोग हैं ना, द्वेष करने वाले, ये पहला आके इसका बवाल मचाते हैं। देखो मेरे साथ ऐसा किया ना, इसलिए ऐसा हुआ। देखो सब अपना अपना रोटी उसमें सेकना चाहते हैं, जबकि वो बंदा खुद अनक्लियर है कि हुआ क्यों है, या ऐसे हुआ, ये चीज हुआ, क्यों हुआ नहीं जानता है। तो ऐसे लोगों का जो महाभारत के समय युधिष्ठिर महाराज को ऐसा गाली दे सकते हैं या ऐसा अपमान कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं हमको ऐसा सम्राट क्यों चाहिए जो इतना बड़ा पापी हो, तो यहां उनको क्लियर कर दिया है कि ये आपका पाप नहीं था, ये भगवान की स्वइच्छा से काल अनुरूप ये कार्य हुआ है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं, यू आर जस्ट अ पार्ट एंड प्रेजेंट देयर, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्योंकि भीष्म ने बोल दिया है, अब ये स्टेटमेंट कोई कट नहीं कर सकता, एंड ही इज अ ग्रेट अथॉरिटी, इसलिए भीष्म महाजन है, उनके वर्ड को कोई चैलेंज नहीं कर पाता था। तो भीष्म वांटेड टू इम्प्रेस अपॉन महाराज युधिष्ठिर दैट सिंस टाइम इमेमोरियल नो वन इंक्लूडिंग डेमिगॉड्स लाइक शिवा एंड ब्रह्मा कुड असर्टेन द रियल प्लान ऑफ द लॉर्ड। अनादि काल से भी ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान के प्लान को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। जब मोहिनी मूर्ति के रूप में आए भगवान, तो शिव जी पीछे भागने लगे, कौन समझेगा ये, भगवान इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं और क्या क्या करते हैं, नहीं समझ पाइएगा आप, अपना ये बुद्धि का फाइनेस्ट न्यूरॉन्स भी यूज करिएगा तो भी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि ये बुद्धि भी उन्होंने दी है, उसका लिमिटेशन भी उन्होंने दिया, और हंसते रहते हैं। मराठी में बोलते हैं सरड्याची उड़ी कुंपणा पर्यंत, ये जो चैमेलियन होता है ना, जो सरड़ा बोलते हैं महाराष्ट्र में, जिसको कलर चेंज करते रहता है, वो गिरगिट टाइप, तो वो खेत में होता है, कीड़ा खाता है, तो ऐसा कहते हैं वो कितना भी जम मारेगा तो कुंपणा पर्यंत, यानी वो जो फेंसिंग होता है खेत का, वहीं तक जा सकता है, उसके आगे जा नहीं पाएगा, फेंसिंग में कांटे लगे तो जाता नहीं उसके आगे। तो वैसे हम कितना भी सोच ले तो हम उस मेंटल फ्रेम और इंटेलेक्चुअल फ्रेम के बाहर नहीं जा सकते। तो आप कहेंगे अरे अगर नहीं जा सकते तो भगवान को कैसे जानेंगे, फेथ, फेथ, वहां फेथ काम आता है, श्रद्धा विश्वास वो काम आता है। तो हमारा लिमिटेशन जो है उसके आगे भगवान इसलिए काम करते हैं ताकि ये देखने के लिए कि आपको मुझ पे फेथ है कि नहीं। प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, भारत कर्मी भक्त नया नया था यूएस में, उसने पूछा प्रभुपाद स्वामी जी, बोले इज कृष्णा गॉड, तो बोले यस ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो बोले कैन ही क्रिएट अ रॉक विच ही कैन नॉट लिफ्ट, क्या आपके भगवान ऐसा कोई बड़ा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद नहीं उठा सकते। तो प्रभुपाद ने बोला यस कृष्णा कैन क्रिएट अ रॉक विच ही कैन नॉट लिफ्ट बट आफ्टर सम टाइम ही विल लिफ्ट, क्योंकि वो तेरे क्वेश्चन के बाहर है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत्य शक्ति है उनके पास, ये सारे धातु अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति सब उनकी इच्छा से काम कर रहे हैं, हम उनको सवाल पूछने वाले कोई नहीं है, भगवान स्वराट हैं, वो संभव को असंभव कर देंगे और असंभव को संभव कर देंगे, ये प्रभु हैं। तो वहां जब वो ये करते हैं तब केवल आपका ये पता चलता है कि आपके लिमिट के बाहर होते हुए भी आप उन पे विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप एक्सपोज हो जाते हो। तो भगवान हर क्षण अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। तो कहा गया है कि ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान के प्लान को नहीं समझ पाते, कई बार समझ जाते हैं, कई बार वो जानते हैं ये आए हैं तो ये सब करेंगे, यहाँ अब ये सब होगा, अब वामन अवतार होगा तो बलि के साथ कुछ तो होगा, क्या होगा कैसे होगा वो सिर्फ वामन देव जानते। शुक्राचार्य वहीं खड़े थे लेकिन
वो जानते थे विष्णु है, लेकिन क्या करेगा ये नहीं जानते। शुक्राचार्य बहुत विद्वान, नहीं जानते थे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते प्रपट में, सो व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट इट। जब जब ये शिव जी और ब्रह्मा जी को भी क्लियर नहीं होता तो आप और मैं कौन। इट इज यूजलेस ऑल्सो टू इंक्वायर अबाउट इट, इसलिए वो समय व्यर्थ है। जो हो गया है उसे स्वीकार करो। इवन द एग्जॉस्टिव फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज ऑफ सेजेस कैन नॉट एसर्टेन द प्लान ऑफ द लॉर्ड। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी क्यों हुआ होगा, तो उसके हजार आंसर है और बताने के बाद भी नहीं कंफर्म होता है। सो द बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट। इसलिए भगवान के इच्छा के निर्देशन में चलते रहो बिना आर्ग्यूमेंट, यानी बिना बाताबाती कर किए, क्योंकि वो बात कर भी लोगे तो आपके बुद्धि की सीमा से बाहर आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए वहां पे नतमस्तक हो जाओ, प्रणाम कर लो, वहां झुक जाओ। हाँ, अपना जो मस्तक है वो सामने वाले के चरणों में रख दो। बोलो प्रभु नचाओ 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 से मत, आपको जैसे लगे वैसे नचाओ, मैं आपके लिए आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। द सफरिंग्स ऑफ पांडवाज वर नेवर ड्यू टू देयर पास्ट डीड्स। जो पांडव हैं इनका जो पिछला जन्म का पाप है उसके वजह से नहीं था, ये यहाँ पे प्रभुपाद ने भी क्लियर कर दिया। द लॉर्ड हैड टू एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ एस्टेब्लिशिंग द किंगडम ऑफ वर्च्यू एंड देयर फोर हिज ओन ड्यूटी सफर टेम्पररीली इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्च्यू। इसको कहते हैं टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। तो जो भक्त हैं इनको भगवान कठिनाई में डाल के इनका इस्तेमाल करके धर्म का राज्य जो है धर्म का स्थापना किया। तो भले ही इन भक्तों के जीवन में कोई पीछे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इनका इस्तेमाल किया गया, ये निमित्त बने हैं। ये प्राइड है कि भगवान आपको निमित्त के लिए यूज कर रहे हैं, इतना आपका शरणागति है। देखिए द्रौपदी भाग के नहीं गई, कहीं नहीं गई, ना कुंती माता भाग के गई, ना पांच पांडव भाग के, इतना कठिन है, लेकिन भगवान को ही चूज करते रहे। हमें थोड़ा कठिनाई होता है तो भाग जाते हैं। कल ही कोई बोल रहा था कि अमोघ लीला प्रभु ने कोई कोई लेक्चर में कहा था, वो मुझे बता रहे थे कि बोले एक भक्त था, वो यात्रा में नया नया भक्त बना था, माला चालू किया था और ये सब यात्रा के कहीं जा रहे थे बस से, और लेट हो गए वो नए भक्त, तो लेट हो गए तो ये गाड़ी निकल गई। ये भक्त जो गुस्सा हो गया, इसने झोली माला लेके फेंक के बोले आज से मैं जप नहीं करूंगा। तो बस चली गई, इसमें आदमी गुस्सा हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे कंट्रोल में नहीं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं हाँ, वो भगवान ने इनको यूज किया। और इवन अ ग्रेट फाइटर लाइक भीष्म कुड नॉट विन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बिकॉज द लॉर्ड वॉन्टेड टू शो दैट वाइस कैन नॉट कॉन्कर वर्च्यू रिगार्डलेस ऑफ हु ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट। अब यहां देखिए भगवान, कई बार लोग बोलते हैं अरे भीष्म उस खेमे में क्यों थे, यहाँ क्यों नहीं थे, तो भगवान ने ये दिखा दिया कि अगर अधर्मियों का साथ किसी भक्त ने भी दिया और वो भक्त ब्रह्मांड में सबसे पॉपुलर आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो हार जाएगा, वो हार जाएगा। और इसका एग्जाम्पल दे तो भगवान ने भीष्म को दिखा दिया कि देखो ये है। हमें लगता है कई बार लोग गैंग बनाते हैं, हम गैंग में हैं, हम 15 लोग हैं, हम 20 लोग हैं। हाँ, तो अब 15 और 20 से बड़े नहीं हो जाएंगे, आपसे ज्यादा तो मच्छर लोग एक साथ आते हैं, और रात को जो कीड़े आते हैं बारिश के समय वो उससे भी ज्यादा नंबर में आते हैं, ट्यूबलाइट के पास आते हैं, गाँव में आते हैं। इसका मतलब वो सत्य नहीं हो जाएगा, वो गणित में ज्यादा है, काउंट में ज्यादा है, सच्चाई में नहीं। प्रहलाद के सामने सब असुर थे लेकिन वो एक अकेले भक्त थे, क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को गिरना पड़ा, मरना पड़ा बेटे के सामने। वे कह रहे हैं कि अगर भीष्म जैसे व्यक्ति भी अगर ये काम करते हैं तो भगवान बोलते हैं माय टॉलरेट नहीं करता। हाँ, और यहाँ पे क्या कहे, भीष्म देव वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड बट ही चोज टू फाइट अगेंस्ट द पांडवास बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। अब यहाँ पे सवाल आता है तो क्या भीष्म गलत चॉइस किए, ना वो भी भगवान की इच्छा से वहां जाके लड़े। देखिए भीष्म ये चीज पांडवों के बारे में कैसे बोल पा रहे थे, क्योंकि पांडवों का कोई पाप नहीं है, इनको इसलिए दिख रहा था क्योंकि इनका भी यही सिचुएशन था।
ये इस युद्ध में भगवान की इच्छा से आए हुए थे और इनका कोई लेना देना नहीं था। इनकी बीवी ने हठ किया पिछले जन्म में और श्राप मिला, यहाँ पे आना पड़ा, और इसी महाभारत के समय आए। 100 साल पहले आते हैं, 100 साल बाद आते तो भी ये सब नहीं होता, ये तभी आए और भगवान ने इनका इस्तेमाल किया। अरे देवता नीचे आए तो उसका यूज किया जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, भीष्म को भी यूज किया। भीष्म जानते थे मुक्त आत्मा जो है ना बंधन में होता ही नहीं, तो हमेशा भगवान का चिंतन करते, जानते हैं भगवान मेरे को यूज कर रहे हैं, और इसलिए वो जान पाए कि पांडवों के साथ भी वही है। इसको कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आप जैसे हो वही आपको दिखाई देता है। तो यहाँ कहा गया, बिकॉज द लॉर्ड वॉन्टेड टू शो दैट द फाइटर लाइक भीष्म कैन नॉट विन ऑन द रॉन्ग साइड। तो ये उदाहरण देने के लिए भीष्म को गलत साइड में डाल के ये भी उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत कर दिया। अभी भी काल का पाठ सब खत्म नहीं हुआ, कल हम और पढ़ेंगे। तो क्योंकि आज हम लेट चालू किए थे और हम लोगों ने क्लास खत्म कर देना है, अभी क्वेश्चन आंसर जो है हम सब कर लेंगे। आज हमारा लॉगिन होने में समस्या हो गया था, और आप सबको भी कुछ लोगों को लॉगिन में प्रॉब्लम हुआ हो। अगर लॉगिन ना हो ना कभी गलती से, तो आपको बता रहा हूँ मुझे फोन नहीं करिए, क्योंकि अगर मैं गलती से मैं लॉगिन और आपने फोन कर दिया तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है। आप मैसेज करके रख दीजिए, ठीक है, और ट्राई करते रहिए कभी कभी, मतलब ट्राई कर। और अगर नहीं होता है लॉगिन, सबका नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं खुद भी सबको वापस मैसेज डालता हूँ कि आज क्लास नहीं हुआ। अगर क्लास हुआ है और आप नहीं गलती से लॉगिन कर पाए तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, लेट हो गया, कल ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।